अस्सलाम दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट के इस सेशन में, इस वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे कमेंट देकर अपनी राय जरूर जाहिर करना। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा बेहतरीन रेसिपी, एक ऐसा बेहतरीन टिप्स आपको देने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने हेयर ग्रोथ को तो प्रमोट कर ही सकते हो, इसके साथ साथ अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो उसे विद इन वन वीक आप इसे फौरी तौर पर रोक भी सकते हो। जी हाँ, इसके साथ ही अगर आपके हेयर्स सफेद हो रहे हैं तो इसे जड़ से, रूट से काले भी कर सकते हो। परमानेंटली आप इसे क्योर कर सकते हो, अपने व्हाइट हेयर्स को ब्लैक हेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। पेट में अगर किसी तरह की खराबी आती है, इस पेट की खराबी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी शुरू होते हैं, जिसमें से हेयर का लॉस होना और इसके साथ साथ वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होना भी शुरू हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने पेट को, अपने आप को बेहतर करें और इसके लिए ज़रूरी है कि आज जिस टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे आप ज़रा गौर से देखना और इसका इस्तेमाल आप करना। अगर आप इसका इस्तेमाल एक हफ्ते तक करते हो तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका हेयर लॉस फौरी तौर पर रुक जाएगा। विद इन ए वीक आप अपना हेयर लॉस रोक सकते हो। इसके साथ साथ आपके जो हेयर सफ़ेद हो रहे हैं वो भी नेचुरल तरीके से और जड़ों से काला होना शुरू हो जाएंगे, काले होने शुरू हो जाएंगे। आपके हेयर ग्रोथ बूस्ट होंगे, इसके साथ साथ आपके हेयर की थिकनेस और डेंसिटी भी इम्प्रूव होगी। चलिए देखते हैं, बताते हैं कि कौन सा रेसिपी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसका पोर्शन लेना है, बहुत ज़्यादा पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा आपको एक पोर्शन ले लेना है जो कि आपके एक गिलास जूस बनाने के लिए काफ़ी होता है, तो इसे आपको ले लेना है। इसके बाद अब हम इसे काट लेंगे और ये मेरे पास में जूसर है, मैं हम इसको क्रश करेंगे, इसका जूस बनाएंगे। अब देखें कि मैंने इसमें से बीज को अलग कर लिया है और ये पोर्शन मैंने इसको अलग कर लिया है, ठीक है। इसमें आपको ऊपर से इसको कुछ छीलने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ आपको बीज अलग कर लेना है, ओके। मैंने कुछ हिस्से कर लिए हैं इस तरह से। अभी मैंने इसे मिक्सर में डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी लिया है ज़रा सा, और जो करेला मैंने काटा था उसके छोटे छोटे पोर्शन किए थे वो मैंने इसमें डाल दिया है। ये जूस रेडी हो चुका है कंज्यूम करने के लिए। सो द जूस इज रेडी। मैं इसको हफ्ते में एक बार कम से कम पीता हूँ, ये हमारे पेट को साफ रखता है और हमारे हेयर्स को बेहतर रखने में, हमारी स्किन को बेहतर रखने में मदद करता है। कड़वा है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो इसको हफ्ते में एक बार कम से कम मैं ज़रूर पीता हूँ। अगर चाहते हैं कि अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं, अपने हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने हार्ट को अच्छा रखना चाहते हैं और बाकी प्रॉब्लम से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हफ्ते में कम से कम एक बार इसका सेवन ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसके साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।